होते हुए गल्ला की गाड़ी पर आई थी, इस कारण उसको जहर खिला के मार दिया गया है। लेकिन थाने में उनकी अभी तक कोई FIR नहीं दर्ज हुई, वो यहाँ से और SP तक जा चुके हैं। जी बताइए, किस समस्या को लेकर आप यहाँ आए हुए हैं? हमारे भाई को ऐसा हुआ कि एक दिन कोटेदार माल ब्लैक में बेच रहा था, तो हमारे भाई को पता चला कि ब्लैक में माल जा रहा है डंप लोडर में लदा, तो हमारा भाई वहाँ लोडर 100 नंबर फोन को करके पुलिस बुला करके पकड़ा दिया। उसमें चावल फुल भरा था, थाने गया, वहाँ पैसे में पूरा साठ गांठ हो गई, हमारी कोई सुनाई नहीं हुई। हमारा पूरा गांव एक तरफ, पूरी गांव की जनता देखी, गांव हमारा बता सकता है। DM साहब जी आए, जाँच हुई हमारे गाँव में, पब्लिक के सामने कम से कम 200-300 पब्लिक वहाँ मौजूद इकट्ठा थी। इसके बाद दो दिन नहीं हुए हमारे भाई को, गुमानी वर्मा शिव कुमार वर्मा सुबह सुबह अपने घर में बुला लिए थे। मैंने नन्ना से पूछा कहाँ हैं आप, तो बोला गुमानी के घर में। मैं वहाँ मोटरसाइकिल लेके गया कि अब नन्ना को लिवा लाया जाए। जब मैं लिवाने गया तो गुमानी वर्मा शिव कुमार वर्मा दोनों मुझे बोले, बउआ चाचा आप जाइए, नन्ना आ रहा है। मैंने सीधा वहाँ से चलाया, जब चलाया 15 मिनट के बाद जस्ट मेरी भाभी बोली कि लाला नन्ना कहाँ है। मैंने कहा नन्ना वहाँ है, मैं जा रहा हूँ लिवाने। जब मैं दोबारा लिवाने गया तो बस नन्ना वहीं बैठा था। मैंने कहा नन्ना चलिए। जब वहाँ से आए जस्ट 5 मिनट के बाद नन्ना जब हम डेहरी में आए तो गिर गया, बोला बउआ मेरी छाती पिरा रही है। अब बस मैंने वहाँ तुरंत भागा गाड़ी लेने, चार पहिया गाड़ी लेके आया और नन्ना को बैठाया, और जहाँ गाड़ी में बैठाया तो उसके तुरंत नकुआ से और मोहे से फिचकुट छोड़ दिया और खत्म, तुरंत प्राण वहीं उसी जगह खत्म हो गए। और कोटेदार का इसमें राज है? कोटेदार से मेरा कोई संबंध नहीं, कोटेदार से मेरा बोल चाल ही नहीं है। मैं कोटेदार के खिलाफ हमेशा रहता हूँ, आज भी खिलाफ हूँ, उसकी मेरी बात ही नहीं होती कभी, उसके खिलाफ मैं रहता हूँ। और उसके खिलाफ मैंने जांच कराई, और पहले भी मैंने उसको सस्पेंड कोटेदार कराया, इस बार भी हमने हमारे दस्तखत है उसमें। जब मैं मेरे पिताजी गए तो बोली, वहाँ दीदी थी वो बड़े यशो साहब, बोले इधर से भाग जाओ, आपका भाई आत्महत्या किया है जी, अब आप यहाँ से भाग जाइए, आप गुंडा हैं, अब आप यहाँ से चले जाइए। वहाँ से हमें भगा दिए हैं। जब हम दोबारा गए तो दोबारा वहाँ से भगा दिए, पैसा पा गए हैं वहाँ से, हमारी कोई सुनवाई नहीं होती वहाँ। यहाँ SP साहब के पास जी, इनके पास हम 3 बार आए, बस यहाँ से कह देते हैं आपका मुकदमा लिख दिया जाएगा, बाकी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है।